अगर ऐसे मोटिवेटर्स हो ना साथ में तो कभी कोई ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकता। सीरियसली गाइस, वाकई में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दाराध्यम ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के दिन की शुरुआत गाइस हो चुकी थी अच्छे से, बहुत आराम से, क्योंकि आज है सैटरडे। सैटरडे में हमेशा मैं सैटरडे और संडे दो दिन बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से उठती हूँ। तो आराध्य को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि कल उसे भेज दिया था जितना भी उसे होमवर्क मिलना था। तो मैंने सोचा उसे काम भी करा दूंगी और उसको और रेस्ट भी मिल जाएगा गाइस, इस वजह से मैंने आज उसे स्कूल नहीं भेजा। और कल है संडे, तो संडे में भी उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ जिससे कि जल्दी से जल्दी उसकी हालत बिल्कुल ठीक हो जाए, जो उसकी खांसी है इतनी तेज वाली, उसको खांसी जो हो रही है वो उसमें आराम मिल जाए। आज ऊपर आओ, अपने व्यूअर्स को हेलो बोलो। और क्या कहोगे? तो गाइस देखिए, आज सैटरडे में बिल्कुल चिल कर रहे हैं, चिल। और आज है फोर्थ सैटरडे, ये भी नहीं पता ये मंथ का फोर्थ सैटरडे। तो गाइस ये मंथ का फोर्थ सैटरडे है। मैं गाइस मैं सिर्फ इनसे मैं सिर्फ कंफर्म करना चाह रही थी, लेकिन देखिए कैसे ये हस्बैंड लोग कैसे मजाक बनाते हैं यार। ठीक है, तो ये चिल कर रहे हैं अभी। तो आज थोड़ा सा मार्केट का काम है और साथ में मैं सोच रही हूँ करवा चौथ की भी तैयारी कर लूँ। वैसे तो आज के दिन मेरे को ये करता है मन बिल्कुल मैं शांत रहूँ, किसी से बात ना करूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, यही चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। आज का दिन जो है लाइफ का सबसे गंदा दिन था, 28 अक्टूबर, आज के दिन से समझ लीजिए, आज की डेट से मुझे नफरत है। बट फिर भी मुझे अपने काम निपटाने हैं, तो मुझे निकलना पड़ेगा बाहर, मार्केट भी जाना होगा। और आज के बाद में फिर कल संडे है, संडे में कुछ अपने पर्सनल काम मुझे करने हैं, वो करूंगी। तो फिर इस वजह से आज बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले मैं वेट कर रही हूँ अपनी भाभी का, वो जब फ्री हो जाएंगे तभी हम लोग जाएंगे मार्केट। मार्केट में कुछ छोटे छोटे से काम है, अगर पॉसिबल हुआ तो करवा चौथ की शॉपिंग भी साथ में मैं कर ही लूँगी। मम्मी के लिए मुझे साड़ी देखनी है, क्योंकि मम्मी पापा आए हुए हैं और देना तो था उनको मुझे, तो फिर अब ये सोच के लूँगी मैं, क्योंकि वो ज़्यादा कपड़े लेके आए हैं, क्योंकि वो सडन में आएंगे। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, उसमें कुछ थोड़े से काम रक्षा को भी हैं आज, और मैं देखती हूँ मेरे क्या क्या निपटते हैं, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है। पर हर बार यही होता है कि लिस्ट बहुत लंबी होती है पर काम बहुत कम हो पाते हैं। और पर मेरी लिस्ट बहुत छोटी सी है, क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। सही बात है, और ये सारा सामान घर से आ रहा है ना तुम्हारे, इस वजह से लिस्ट जो है वो छोटी है। पर मेरा ऑलमोस्ट आधी तैयारी है गाइज, आधी तैयारी मुझे करनी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अचानक से मम्मी जब तबीयत खराब हुई पापा की, तो मम्मी को आना पड़ा, तो वो कुछ कपड़े वगैरह भी नहीं लेके आई। तो मैंने सोचा देना तो था ही मुझे उन्हें साड़ी, तो सोच रही हूँ मम्मी पापा दोनों के लिए कपड़े फटाफट से करा देते हैं रेडी, अगर हो पाता है पॉसिबल। अब देखते हैं कितना काम हम कर पाते हैं। तो गाइस यहाँ आए हैं भाई के कुर्ते का कपड़ा लेने के लिए। रक्षा हम लोग ये फाइनल कर रहे थे उसे। अच्छा लग रहा है ये भी, अच्छा वो दे दिया था, ये भी सही था, ये वाइट वाला यार। इतनी भरी हुई दुकान मैंने पहली बार देखी है, बिल्कुल माल ही माल दिख रहा है शुरू से लेके एंड तक, है ना। हाँ, इतना स्टॉक है कि वाकई में कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगा। फाइनली हमने ले लिया। शॉप का नाम क्या है? अनुराग क्रिएशंस। तो गाइज अनुराग क्रिएशंस, गाइज इतना भंडार है शॉप पे ना कि कोई भी खाली हाथ यहाँ से जाने वाला नहीं है, इतनी ज्यादा यहाँ स्टॉक है। वाकई में ऐसा लग रहा था टाइम लेके आते हम लोग तो ज्यादा देख पाते।
फाइनली हमने हिमांशु के लिए कुर्ते का कपड़ा ले लिया। रक्षा हिमांशु को दे दिया सरप्राइज। अब मैं देख रही हूँ मम्मी की साड़ी लेने के लिए निकले हम। तो गाइस ये एंजॉय कर रहे हैं जूस को, जबकि भूखी मैं हूँ और दोनों लगे हुए हैं तो दूसरी शॉप पे जाके। जब तक ये लोग जूस पी रहे हैं तो मैं तब तक देती हूँ ब्रेक खुद को और देखती हूँ मेरे हिसाब का अगर कुछ खाने को मिला तो मैं जरूर खाऊंगी। वाओ मुझे अंकल जी का ये पाइप वाला डस्टबिन बहुत अच्छा लगा। ये आइडिया उनके बेटे का था, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। तो गाइस मुझे लग रही थी बहुत जोर से भूख और यहाँ से लिए हमने समोसे। उसके बाद समोसे खाने के बाद हम निकल गए सोफे की कवर लेने के लिए और कुशन कवर ले लिए, बेडशीट्स ले लिए यहाँ से। तो फिर पहले हमने खाए समोसे, उसके बाद हम गए अंदर शॉप में। हम लोगों ने साड़ी ले ली। वैसे ये हमारा एक्स्ट्रा काम है जो हम लोगों ने सोफे के कवर लिए, ये हमारा एक्स्ट्रा काम है ना। कोई नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट काम था आज, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि ये निपट गया हमारे साथ में ही। लेकिन अभी मेरे मम्मी की साड़ी ले ली है, पापा की रह गई है। हाँ, पापा की पैंट का कपड़ा और पापा की शर्ट का कपड़ा भी बचा है। साड़ी मम्मी की हो ही चुकी है, ठीक है। और काम तो मैंने काफ़ी दिख रखे, अब देखते क्या हो पाता है क्या नहीं पाता है। मंदिर भी सोचा था लेने का, नहीं ले पाऊँगी पता नहीं, ठीक है। और शू स्टैंड भी सोचा था। हाँ, शू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही चीज़ है आजकल घर में। मेरे पूरी बरात लग रखी है, बहुत अच्छे से पड़ी थी। हाँ, ये अच्छा लगा। तो सोफा कवर तो हो गया फाइनल, ठीक है। बस कुशन कवर और फाइनल हो गया, फिर हम लोग तो गाइस यहाँ पहुँचे हम पापा की पैंट और शर्ट का कपड़ा लेने के लिए। यहाँ सरदार जी के यहाँ से हमने पैंट और शर्ट का कपड़ा लिया पापा जी का। ब्लॉगिंग बता दो यार, मेरा तो सब हो गया, आपको पता नहीं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बहुत बढ़िया, लगभग काम निपट ही चुके हैं यार बस। तो आप जनता में थोड़ी आती हो। फोन चल जाते हैं यहाँ पे, पता हो ना हो तू है तो तेरे, तू काय के लिए है। तो बाकी बाकी में सारे काम निपट चुके हैं, थोड़ा बहुत ही काम बचा है बस। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, बस इन्हें बोलने दो। अगर ऐसे मोटिवेटर्स होना साथ में तो कभी कोई ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकता, सीरियसली गाइस वाकई में। तो गाइस यहां पे हम देखिए कितना अच्छा है, घंटा घर घंटा घर दिखा दीजिए गाइस। तो गाइस ये है घंटा घर। दिल लेके मेरा जी तू दिल ना दवे, गाता है ये इश्क व्यापार हो गया, रोवेंगी मुकदरा नू हीरे नीरी। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। जी हीरिया दे हार जी हयार खो गया, हुण मैनू दस किन्ना प्यार कर दी, लब दी फिरेंगी जी फरार हो गया। कितने मजे आ रहे हैं। डार्लिंग उम्रा दा वादा कर ले ओ। कत्ता ही मजे नहीं आ रहे, मुझे नेहा दीदी लौट के आ जाओ वरना अच्छी बात नहीं होगी। कत्ता ही बिल्कुल दिमाग की दही हो रही है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं आई, फुल मौज काट रही मेरे साथ, कोई जरूरत नहीं आने की, आराम से चिल कर तू मौज कर। कि चौराहे वाले चाट बाजार, अब आप आज जाके देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। ये शॉपिंग कर करके बहुत थक गए, दो लाइटिंग खराब। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड, थैंक यू।
अच्छा लग रहा है ना यहाँ वाले में, पहली बार आई हूँ हम लोग। कल का माल बचा हुआ रखा कल का बासी माल नहीं खाएंगे। तो गाइस यहाँ पहुँच के हमने खाई राज कचौड़ी, और मैंने अपने लिए दही की वजह से राज कचौड़ी नहीं ली थी, मैंने लिए थे मूंग चीला, तो मैं तो वो खा रही हूँ, ये लोग खा रहे हैं राज कचौड़ी और मेरे साथ। लेकिन टेस्ट सब लिख लिया, बहुत अच्छा टेस्ट था। मैंने मूंग का चूल्हा पहली बार खाया था। तो गाइस हर दिन की तरह आज भी काम मेरे पूरे नहीं हो पाए हैं। जिस काम को मैं जिसकी लिस्ट बना के निकलती हूँ वो कभी कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं। तो हिमांशु जा रहा है बाइक से और हम लोग जा रहे हैं कार से। और देखिए आप पीछे जो हमने लिस्ट में नहीं लिखा था वो सारा सामान हम लेके जा रहे हैं, जो हमने लिस्ट में लिखा था उसमें से सिर्फ मम्मी के कपड़े लेकर जाने पीछे के सामान की रखवाली के लिए मम्मी का ही सामान खरीद पाई हूँ उसमें से, और पापा के लिए मतलब मम्मी और पापा का ही हो पाया, और बाकी सारे और जो सोच रही थी मैंने, मतलब बहुत टाइम से सोचा था अपने लिए चूड़ा लेना है, तो मैंने फाइनली आज चूड़ा ले लिया। ये काम बहुत अच्छा हो गया, और कुछ खाने का ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी हमने चाट बाजार से आज कचौड़ी इन लोगों ने लपेटी से मैंने टेस्ट किया। आज मूंग चीला टाइप लग रहा था मुझे, क्योंकि जो भी था वेल बहुत अच्छा था, टेस्टी था, मज़ा आया, इंजॉय भी किया, पेट भी थोड़ा सा पेट को इतना आराम मिल गया कि घर जाके एकदम से बस ये नहीं लगेगा कि कुछ खाने को मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं अभी बचा हुआ जो टाइम है उसमें कितने काम हम अपने कर पाते हैं और कितने काम हमारे अभी भी रह जाते हैं, वरना फिर वही करना पड़ेगा कि कल फिर से निकलना पड़ेगा। चर्च चाहिए गए हैं, कहाँ आएंगे, ये चौकी चौराहे वाले चर्च पे आ गए ना। गाइस यहाँ से मैंने लिया डेली वेयर के लिए शूज स्टैंड, जो कि बहुत बुरी लगते हैं यहाँ पे, शूज स्लीपर्स वगैरह साथ में रखे, तो मैंने सोचा कि स्टैंड ले लेती हूँ जिससे कि उसमें लगा दिया। फाइनली बहुत सारे काम फिर भी निपट गए हैं, लेकिन मेरी मंदिर माता रानी का अभी भी मैं नहीं ले पा रही हूँ, पता नहीं वो कब हो पाएगा। तो हम अभी पहुँचे हैं मेरे पापा के यहाँ, और यहाँ हम उतार रहे हैं रक्षा का सामान। ठीक है, तो भाई ने तो लाना भी शुरू कर दिया है, और अब मैं जाऊंगी मैं घर पे, बच्चा मेरा कर रहा होगा बेसब्री से मेरा इंतज़ार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया आज उससे दूर हुए। तो गाइस फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई और मैं घर भी आ गई हूँ अपने बच्चे के पास में, और मैं बहुत लंबे टाइम के लिए मैं गुड्डे से दूर हो गई थी। तो आज इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस देखिए आज मेरे पास टॉर्च है, तो आपको जो आज का ब्लॉग है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, देते रहिए अपना प्यार। मम्मा ये मानो आराध्य के पास टॉर्च आ गई, और आराध्य के पास टॉर्च भी आ गई है गाइस, वो टॉर्च मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखा दूँगी। ठीक है गाइस, बाय कर दो, बाय, ठीक से बाय करो, बाय बाय बाय।